बुलाऊंगा ट्रीमैन ऑफ इंडिया। किस तरीके से यमुना सफाई और दिल्ली के प्रदूषण पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, क्या आगे है सरकार तक, क्या क्या चेतावनी देना चाहते हैं, किन विषयों पर अभी आप लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं? कई सारे सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और कई सारे जमीन स्तर के नवाचारों को लेकर के सार्थक बदलाव आए दिल्ली में। इन सब विषयों को लेकर के 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली दौरे पर हूँ। आज अभी हम शाम को सारा फाउंडेशन की ओर से प्लांटेशन भी करने वाले हैं। उन लोगों ने बड़ी मात्रा में सार्थक बदलावों के प्रयास किए हैं। जयश्री जी उनकी जो निदेशक हैं उन्होंने बहुत ही, तो इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं। दिल्ली में आकर के दम घुट रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकारों ने दिल्ली की आत्मा के साथ में कभी न्याय नहीं किया, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हों। जमुना जी हमारी धड़कनों में बसती हैं, जमुना जी हमारे प्राण हैं, जमुना जी को हमारी महान अनादिकाल संस्कृति ने और माँ का दर्जा हमने उसको दिया है, लेकिन वो सिर्फ हमारे इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई है। दिल्ली का जिस तरह का एक स्वच्छ वातावरण, जिस तरह की ऑक्सीजन प्राचीन काल में लोग लेते रहे हैं, जिस तरह का इतिहास यहाँ के पर्यावरण का भूगोल हम पढ़ते हैं, वो आज वर्तमान समय में अपने अतीत पर आंसू बहा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक ऑक्सीजन टावर लगा करके, कृत्रिम जो है आप ऑक्सीजन टावर लगा करके जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप खून पसीने की जो जनता की कमाई थी उसको पर्यावरण के नाम पर सड़कों पर बहा रहे हैं, और उसके वास्तविक जो हमारे ऑक्सीजन टावर हैं, हमारे जो पेड़ हैं, वो आप नहीं लगा रहे हैं। आप केवल बयान देना और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेना, पर्यावरण के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेना, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जिस तरह का सामने आया स्पेशली दिल्ली सरकार का, बहुत ही दुखद है। और मेरा किसी व्यक्ति से या किसी मंत्री सरकार से ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जाता हूँ सत्य को साहस के साथ रखने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली आप दिल्ली आए हैं, किस मीटिंग के लिए आए हैं, किस पर ज़्यादा फोकस अभी दिखा रहे हैं? ज़्यादा फोकस तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख आदरणीय एरिक सोलेम हमारे वैश्विक नेता हैं, और पर्यावरण जगत में विशेष रूप से श्रद्धा रख करके जमीन स्तर के सार्थक नवाचारों के लिए काम कर रहे वर्ल्ड के 196 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो संस्थाएं हों, व्यक्ति हों, सरकारें हों, विद्यार्थी हों, और खासतौर से युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो पूरी दुनिया में दौरा कर रहे हैं। आज भारत यात्रा पर है, मुझे खुशी है कि उन्होंने भारत से मुझे भी चुना है, और मैं कल उनके साथ में दिल्ली में बहुत ही वैश्विक मुद्दों को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के स्पेशली हमारी मुलाकात होने जा रही है। और हम स्पेशली जो हमने अभी जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल जो चलाया है, कचरा दो पौधे लो, हमने वो अभियान चलाया। हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी इस तरह के अभियान चले, ताकि न्यूनतम जीवन शैली, कम संसाधनों में श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जा सकता है, हमारा आपके घर के जो प्लास्टिक पड़ा है उसकी हम टाइल्स कैसे बना सकते हैं, चादर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसको 500 साल आप खत्म नहीं कर सकते। आज यूएन का आज भी बयान है। क्या इस मिशन में युवा आपका साथ दे रहे हैं? दिल्ली के युवाओं का मैं बिल्कुल आभारी हूँ। दिल्ली के युवाओं का बहुत ही गजब का काम है। हमारे एक कार्यकर्ता है दिल्ली में ही, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा पर्यावरण को उदाहरण रख के दिया। एक वहाँ के बिसरक के कोई युवा हैं, उन्होंने हमें प्लास्टिक पर बहुत बड़ा उन्होंने नवाचार किया है। इस तरह के कई सारे हमारे एक साथी कार्यकर्ता हैं, कॉलेज विद्यार्थी शिव कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा, तो इस तरह से कई सारे लोग हैं जो बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ दिल्ली की मातृशक्ति का, जो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रही हैं, और दिल्ली के छात्र छात्राओं का जो योगदान यमुना जी के संरक्षण के लिए, यहाँ की एयर क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत आगे आ रहे हैं। वो बड़े लोगों को, जिम्मेदारों को बता रहे हैं कि किसान जो है, ठीक है, पराली के विषय पर माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया हम लोग उसका सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय के फैसले के साथ हैं, लेकिन पराली जलाने वाला किसान अनादिकाल से प्रकृति का प्रेमी रहा है, प्रकृति का रक्षक रहा है, प्रकृति के भक्षक वो हैं जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और क्लाइमेट चेंज और सेव एनवायरमेंट के भाषण देते हैं, जो कोट टाई पहन करके बड़ी बड़ी संसद से, मान लो जी, या किसी अन्य भवनों से हैं। तो मेरा अनुरोध है कि दिल्ली के युवा जो है वो जाग चुके हैं, उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है। क्या आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के युवा हैं, जो युवा पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या वही फिर जागरूकता फैला रहे हैं, एक तरह का दौरापन
आप देख रहे हैं दो प्रकार के युवा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, दो प्रकार के युवा हैं जो पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं और दोहरापन दोहरापन देख रहे हैं कि वो पटाखे भी फोड़ रहे हैं फिर पॉल्यूशन के ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। नहीं, क्या उनका दोहरापन है या क्या क्या देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसे ऐसे युवा नहीं है, वो सिर्फ चंद लोग नेताओं की आज के पीछे घूमने वाली जो भीड़ है उसको दिल्ली के युवाओं के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली के साथ पास बहुत बहुत सारे युवा हैं और दिल्ली प्रदेश के जो युवा हैं उनको धीरे धीरे एहसास हो गया है, वो उन कत्लगाहों से दूर रहने वाले लोगों में जो हैं वो पटाखा भी जो है वो भी गलत है उनके लिए, तो उनके लिए बकरा काटना भी गलत है। ये कहाँ का इल्म है कि आप मजहब के नाम पर बेजुबान की गर्दन काट दो और फिर कहो कि खुदा खुश होगा? हम तो उसके भी खिलाफ़ हैं और हम इसके भी खिलाफ हैं कि आप बारूद के पटाखे चला करके और इस पॉल्यूशन करो, दोनों ही बातें हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली उन युवाओं को आप युवाओं की श्रेणी मत मानिए जो चंद एक नेताओं के छुटभैये बनकर के घूम रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि दिल्ली ही नहीं पूरा भारत प्लास्टिक मुक्त हो। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो उनकी तरफ से भी जमीन स्तर के सार्थक नवाचार देखने को मिले, केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से भी सार्थक नवाचार देखने को मिले। मैं क्या कर सकता हूँ, समाज क्या कर सकता है, सरकारें क्या कर सकती है, इस समानांतर सोच के साथ हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो लोक कल्याणी है, हमारी जो पतित पावनी है, ये यमुना माँ भी हमारी जो है अपनी निर्मलता की ओर, अपनी स्वच्छता की ओर, अपने मौलिक स्वरूप की ओर बढ़ेगी और अन्य जो बदलावों की हम बात करते हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। केवल स्मोक टावर लगा देने से, बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर देने से, करोड़ों रुपये पर्यावरण का दिल्ली सरकार ने पानी के नाम पर बहा दिया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आशा है कि दिल्ली का युवा जाग चुका है और धीरे धीरे हम लोग इसके आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं।